अब हमारी बेटियां हैं और बहाली निकली उनकी योग्यता है अप्लाई की बहाली हो गया अब शादी हो गई दूसरे जिला में तो आप जो है ट्रांसफर का नीति निर्धारण अगर आपने नहीं किया है तब वो हमारी बेटी को तो या तो ससुराल छोड़ना पड़ेगा या नौकरी छोड़ना पड़ेगा तो ऐसे स्थिति में आप क्यों खड़ा कर दे रहे लोग पदाधिकारी अपने आप को अगर हीरो समझ ले हम ही दुनिया चला रहे हैं जनप्रतिनिधियों से कुछ होने वाला नहीं है तो यही हालत होगी अरे सवाल यह है कि कुल बाईस हजार हो गए अगर आंकड़ों को देखें तो आप लोग एक तरफ ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं वेकेंसियाँ भी निकाल रहे हैं और फिर वही रिक्त पदे रह जा रही हैं तो क्या ये तो फिर ए हमेशा चलता रहेगा आप लोग वैकेंसियाँ निकालेंगे लेटर बांटेंगे ज्वाइनिंग लेटर मगर ज्वाइन करेंगे नहीं ना अरे यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार का रुख सकारात्मक है और सरकार ऐतिहासिक रूप से वो बहाली निकाल रही है ज्वाइनिंग भी कराना चाह रही है लेकिन अगर पदाधिकारियों का रुख अगर सकारात्मक ना हो तो परेशानी तो बढ़ेगी मैं खुद दूसरा से नहीं के के पाठक जी से ही एक बार बात करने गया था और हमने उस समय कहा था कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं अब हमारी बेटियां हैं और बहाली निकली उनकी योग्यता है अप्लाई की बहाली हो गया अब शादी हो गई दूसरे जिला में तो आप जो है ट्रांसफर का नीति निर्धारण अगर आपने नहीं किया है तब वो हमारी बेटी को तो या तो ससुराल छोड़ना पड़ेगा या नौकरी छोड़ना पड़ेगा तो ऐसे स्थिति में आप क्यों खड़ा कर दे रहे हैं लोगों को हमारे यहाँ एक सुलभ ट्रांसफर की नीति हो और अभी जो हुआ एक तो आप सब जान ही रहे हैं जिस तरह से सरकार ने एक लाख सत्तर हज़ार बहाली वो निकाली थी एक हज़ार सत्तर हज़ार शिक्षकों के लिए और जो प्रक्रिया अपनाया गया शिक्षा विभाग द्वारा और बीपीएससी दोनों को मिला करके जो प्रक्रिया अपनाया गया उस प्रक्रिया में एक लाख दस हज़ार लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल पाया और अब बाईस हजार लोग और जो है ज्वाइन नहीं कर पाए तो सरकार का रुख तो सकारात्मक था एक हज़ार एक लाख सत्तर हज़ार शिक्षक देने का और मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है एक लाख भी जो है नियुक्त नहीं हो पाएंगे ऐसे स्थिति में सरकार ने तो चलिए फिर से बहाली निकाली परीक्षा हो रहा है लेकिन अगर रिक्त पदे तो रह जा रही हैं आप मैं तो बार बार, बार, बार कह रहा हूँ कि आखिर सरकार तो चलाते हैं चलाते हैं लोग पदाधिकारी ही लोग सचिव मंडल ही लेकिन हम माननीय सदस्य माननीय मंत्री क्यों जनता से चुन के आए हैं जनता के बीच के अनुभव को हम सरकार को शेयर करते हैं पदाधिकारियों को शेयर करते हैं और पदाधिकारी अगर उसको सकारात्मक ले तब सारी चीजें ठीक हो जाएगी लेकिन पदाधिकारी अपने आप को अगर हीरो समझ ले हम ही दुनिया चला रहे हैं जनप्रतिनिधियों से कुछ होने वाला नहीं है तो यही हालत होगी और इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो हम सुन रहे हैं कि विभाग भी, भी बड़ा चिंता में है कि गड़बड़ी हो गई अब नियोजित शिक्षक हैं उनको जहाँ पर पदस्थापन है अब बी से तो परीक्षा तो पास कर गए वो अब रेगुलर शिक्षक हो गए लेकिन रहने वाले जहानाबाद के हैं पहले जहानाबाद पढ़ाते थे अब उनको भेज दीजिएगा किशनगंज बताइए वहाँ एक तो इस महंगाई के दौर में अलग से उनको व्यवस्था करना पड़ेगा मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आठ घंटा ड्यूटी करता है आठ घंटा के बाद अपना निजी काम तो कर सकता है लेकिन जहानाबाद के आदमी को अगर भेज दीजिएगा किशनगंज तो समझ लीजिए कि वो चौबीस घंटा भी ड्यूटी कर रहा है ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कहीं से ठीक नहीं है इसी स्थिति के कारण बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए बहुत सारे लोग नियुक्ति पत्र नहीं लिए लेकिन देर सही सही सुना है कि शिक्षा विभाग ने ये चिंता प्रकट किया है इसको ठीक करने के कोशिश किया है तो हम कहेंगे कि जितना जल्द हो ठीक किया जाए नहीं तो ये जो बहाली अभी निकली है जिसकी परीक्षा चल रहा है इसमें भी ये स्थिति होगी और जुग जुग तक कहिए किसी प्रक्रिया में हम पड़े रहेंगे शिक्षा सुधार क्या होगा इसका